हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊँगी आपको एक बात जो है यूपी के औरैया के नंदपुर गाँव से, जहाँ पर एक शोभा राम नाम का आदमी है जो राजमिस्त्री का काम करता है। उसकी वाइफ है रागनी, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 10 साल का है और एक बच्चा उसका मात्र 4 महीने का है। तो शोभा राम की जो वाइफ है रागनी, उसका अपने ही गांव के मतलब अपने ही ससुराल के बराबर में रहने वाले एक लड़के रिंकू यादव के साथ चल रहा था अफेयर। शोभा राम को इसकी जानकारी गाँव वालों ने कई बार दी, कई बार शोभा राम को अवगत कराया गया, लेकिन शोभा राम ने कभी भी इस बात को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि शायद वो अपनी पत्नी पर विश्वास करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन एक रात जब शोभा राम अपनी दाढ़ी मजदूरी करके घर आता है, वापस आता है, तो करीबन 8 बजे के आसपास उसकी वाइफ उसे खाना देती है और उसका कहना है कि खाने में वो कुछ ऐसा पदार्थ मिलाती है, कहती है कि नमक कम है, मैं नमक देख के आती हूँ, और उस बहाने से वो कुछ खाने में ऐसा है नहीं होता यहाँ। तो वो शोभा राम को खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिला के देती है, जिसके बाद शोभा राम को नींद जाती है और उसकी आँख लग जाती है। उसके बाद वो डेरी की तरह बिल्कुल फ्री होकर अपने आशिक रागनी अपने आशिक रिंकू यादव को छत पर बुलाती है और उससे मिलती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो शोभा राम था उसकी आँख खुल जाती है, लगभग 11 बजे के आसपास उसकी आँख खुल जाती है। वो पाता है कि उसके बच्चे दोनों सोए हुए हैं, जबकि उसकी वाइफ जो है वो घर पर वहाँ पर नहीं सोई हुई होती है। तो उसके बाद उसे कुछ आवाज़ आती है, जिसके चलते वो छत पर जाता है। जब वो छत पर जाकर देखता है तो उसकी आँख खुल जाती हैं। वो अपनी वाइफ को रिंकू यादव के साथ छत पर देखता है, जिसके चलते कोई सिंपल सी बात है, जब कोई अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखेगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। उसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे दोनों पर पासक ही ईंट से हमला कर देता है। उसके बाद जब वो थोड़े जख्मी हो जाते हैं, उनके हाथ पैर बांध देता है छत पर और फिर उसको ताबड़तोड़ ईंट से उनके ऊपर वार करता है, और जब तक वार करता है जब तक दोनों की सांस नहीं रुक जाती, रिंकू यादव और रागनी दोनों को शोभा राम मार देता है। मारने के बाद वो करीबन 1 बजे डायल 112 पर कॉल करता है और बताता है कि मैंने अपनी वाइफ अपनी पत्नी और उसके आशिक रिंकू यादव को मार दिया है, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ मुझे धोखा दे रही थी, बच्चों को भी धोखा दे रही थी, इसके चलते मैंने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके चलते मैंने उन दोनों का मर्डर कर दिया, और वो अपने आप को अरेस्ट करा देता है। तो आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने शोभा राम ने सही किया या कुछ गलत किया? तो मुझे तो लगता है कि शोभा राम ने बिल्कुल ठीक किया। जब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जब औरत विश्वास तोड़ दे तो आदमी को ऐसा ही करना चाहिए। अगर आदमी विश्वास कर दे तो तोड़े तो औरत को भी यही कदम उठाना चाहिए। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो थोड़ी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।